आईपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख रहे हैं और उसी में हम आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 3 के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, उस क्वेश्चन में हमने कल तक कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे थे, 4 या 5 क्वेश्चन करवाए गए थे, उनमें जो जवाब आए हैं वो लगभग सभी के सही हैं। तो ऐसे ही आप आगे भी तैयारी करते जाइए और स्पेशली लड़के जो हैं वो भी जो भी आंसर आता है उनको जल्दी से जल्दी बताएं। ज़्यादा पूरे सारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब सॉल्व नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप ध्यान रखें जितना हो सकता है अपने को उतनी तैयारी करनी है और उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 में ही आगे चल रहे हैं न्यूमेरिकल। और मैं आपको इसमें अब की बार ये थोड़ा सा बेनिफिट ये और कर दिया कि लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल के, स्पेशली जो टफ हो या सरल हो, वो मैं करवाते जा रहा हूँ। हालांकि हमने इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी किए हैं जो बार बार में रिपीट हो रहे हैं, आगे जा करके ये सवाल ना, जैसे ये हमने किया तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो वो उसके मैंने अलग अलग टाइप से कुछ एग्जाम्पल बताए थे, वही हम सवाल आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो आपके पाठ्य पुस्तक में न्यूमेरिकल में शामिल है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा कुछ टफ काम है नहीं, कैसे सॉल्व करना है आइए हम एक एक करके इसको सीखते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, ये बता रखा है इसमें कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, एक वर्ग लीजिए उसकी प्रत्येक भुजा 0.9 मीटर लंबी है, 0.9 मीटर लंबी बता रखी है। इसके कोनों पर क्रमशः अपने को 4 आवेश दे रखे हैं। ये मैंने आपको बताया भी था शायद, वहाँ पे भुजा जो हमने अलग ले रखी थी शायद √2 मीटर था, ये हमने देखा था, और यहाँ पर भुजा बता रखी है 0.9 मीटर। इन कोनों पर क्रमशः -2 माइक्रोकूलम, +3 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम तथा +5 माइक्रोकूलम आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो सिंपल ही है, खाली एक वर्ग बनाते हैं फिर उसकी भुजा देखते हैं और हम डिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं एक एक करके समझते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन समझिए। एक वर्ग बनाते हैं, यह हमने एक वर्ग बना लिया ABCD, इन पर जो आवेश दे रखे हैं अपने को, ये बता रखा है इसकी भुजा जो है 0.9 मीटर लंबी है, तो ये 0.9 मीटर और ये 0.9 मीटर, क्योंकि वर्ग में सारी भुजाएं क्या होती है, सेम होती है। इसके बाद भी इसके कोनों पर आवेश दे रखे हैं, तो यहाँ पर आवेश दे रखा है -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर दे रखा है +3 माइक्रोकूलम, ठीक है, और यहाँ पर सी पर दे रखा है अपने को -4 माइक्रोकूलम और डी पर दे रखा है +5 माइक्रोकूलम। तो ये अपने को आवेश दे रखे हैं, तो ये हमने आवेश इसको वर्ग के अकॉर्डिंग नोट कर लिया। अब ये बोल रहा है कहाँ पर विभव ज्ञात करना है, तो आप देख सकते हैं उसके केंद्र पर, और केंद्र होगा वर्ग का यहाँ पर, और ये हम जानते हैं कि ये जो केंद्र वाली जो साइज होगी ये इक्वल होगी, तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर टफ तो काम है नहीं, सिंपल वे के अंदर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके केंद्र पर ज्ञात करने के लिए आपको कौन सी दूरी ज्ञात करनी है ये आप आसानी से समझ सकते हो, कौन सी डिस्टेंस आप ज्ञात करोगे। जैसे यहाँ पर आवेश, मैंने बताया था कि विभव में जो दूरी इंपॉर्टेंट होती है वो जहाँ पर आवेश मौजूद होगा उसके कारण दूरी देखी जाएगी कहाँ तक। जैसे यहाँ से देखना चाहते हो तो यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से देखोगे तो ये दूरी कितनी है, OB, यहाँ से देखोगे OC कितनी है, फिर ये OD दूरी कितनी है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम जानते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि पाइथागोरस जो थ्योरम अपने पास, उसमें हम जानते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब कर्ण क्या है इसके अंदर, चाहे AC निकालिए चाहे BD निकालिए, तो AC या BD निकालते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AC का स्क्वायर किसका स्क्वायर के इक्वल होगा, AC का स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर, यानी कि लंब तो है इसके अंदर AD और आधार है DC, तो AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इसके इक्वल आएगा। इनकी वैल्यू रखिए आप, और यदि आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप इसको सेंटीमीटर में भी सॉल्व करके बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। तो यहाँ से AC निकाल लेंगे तो वो आएगा अंडर रूट में AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब AD और DC के मान हमें पता है 0.9 मीटर दे रखा है, तो 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.9 का स्क्वायर, इनको सॉल्व कीजिए तो कितनी वैल्यू आएगी, 0.9 का जो स्क्वायर होगा 0.9 × 0.9 81 हो जाता है, और 2 टाइम पहले पॉइंट आएगा इसलिए 0.81 प्लस ये भी 0.81, 81, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और कितना आता है,
ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, सॉल्व कीजिए इसको, 0.81 और 0.81 कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 8 और 8 16, 1.62 हो जाएगा। इसका आप रूट निकालिए जो भी आता है वो आपको नोट करना है, ठीक है। ये तो एसी आया है, हमें दूरी कौन सी ज्ञात करनी है, हमें डिस्टेंस कौन सी निकालनी पड़ेगी, तो आप जानते हो हमें AO, BO, CO, DO ये किसके बराबर होगा, ये AC ही किसके बराबर है, ये AC बराबर होगा BD के, AC बराबर होगा BD के, ठीक है। अब हम ये डिस्टेंस निकालनी है AO, तो हम ये डिस्टेंस बताएंगे OA, OB, OC, OD, ये दूरी कितनी होगी, ये AC की आधी हो जाएगी, AC की आधी या फिर हम बोलेंगे BD की आधी। आप इसमें देख सकते हैं ये कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ओ ए डिस्टेंस है वो इस ए सी की आधी है, या आप ओ बी देखेंगे तो ये बी डी की आधी है, तो हमने इस टाइप से लिख सकते हैं। और जबकि इसका मान हम निकाल चुके, वो मान कितना है, वो है अंडर रूट में 1.62 अपॉन में कितना है, ये लगभग हो जाएगा इसके अंदर 2 का डिवाइड देना, वो जो अपने पास आंसर आता है आप इसका आंसर निकालिए, जितनी भी वैल्यू आती है वो हमें नोट करनी है, ठीक है। मीटर में डिस्टेंस ये आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में, ठीक है। अब ये सब में डिस्टेंस सारी इक्वल ही रहेगी, बस हमें क्या निकालना है, इन आवेशों के कारण विभव, तो हम बोलेंगे कि केंद्र पर विभव कितना आएगा, तो हम केंद्र पर विभव ज्ञात करेंगे, सेंटर पर जो पोटेंशियल आएगा V इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, A के कारण केंद्र पर, B के कारण केंद्र पर, C के कारण केंद्र पर और D के कारण केंद्र पर। अब इसके कारण कितना हो जाएगा, के क्यू ए अपॉन डिस्टेंस कौन सी आएगी, आर होता है फॉर्मूला, आप जानते हो विभव का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर होता है, तो उसी हिसाब से क्या आएगा, पहले आवेश के कारण के क्यू ए अपॉन दूरी कौन सी है, ओ ए, ऐसे इसके लिए क्या आएगा, वी बी का मान, तो हम बोलेंगे के क्यू बी अपॉन ओ बी, प्लस के क्यू सी अपॉन ओ सी, प्लस के क्यू डी अपॉन ओ डी, बस इनका मान रखिए, जो कॉमन आता है वो कॉमन लीजिए, क्यू ए का मान माइनस में है तो माइनस में लेना है, प्लस में है तो प्लस में, डिस्टेंस सब में ये इक्वल है तो इसका कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, सारी डिस्टेंस इक्वल ही है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखिए आप और इसको सॉल्व कीजिए, तो देखो इसमें से कॉमन क्या आएगा, के, ठीक है, के तो कॉमन आ जाएगा, क्यू ए का मान कितना है, माइनस का 2 माइक्रो कूलम, तो 2 × 10⁻⁶ अपॉन ओ ए, ओ ए का मान कितना आप देख सकते हो, ये ओ ए का मान रखना है अंडर रूट में, या जो भी मान आता है वो आप निकाल लीजिए, उसको सॉल्व करके यहाँ पर रखना है, ओ ए अपॉन ओ ए है सब में, ये देखो मैं ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी को आप बराबर लिख दो ओ ए के, जिससे आपका सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा। फिर प्लस के तो बाहर ले लिया, क्यू बी का मान कितना है, तो आप देखेंगे 3 माइक्रो कूलम, तो 3 × 10⁻⁶ अपॉन में, इसकी जगह भी मैं ओ ए लिख सकता हूँ क्योंकि ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी क्या है, आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर के क्यू सी, क्यू सी का मान है माइनस का 4, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस का 4 × 10⁻⁶, ठीक है, और डिस्टेंस वही ओ ए लिख देते हैं। और फिर प्लस के बाहर लिया हुआ है ही, और क्यू डी का मान 5 × 10⁻⁶ अपॉन ओ ए, ठीक है। अब इनमें से आप ओ ए भी कॉमन ले सकते हैं, 10⁻⁶ कॉमन आ जाएगी, ये माइनस का 2 + 3 एक बच जाएगा, ये माइनस का 4 + 5 एक बच जाएगा, तो 2 माइक्रो कूलम आएगा, तो 2 × 10⁻⁶ अपॉन ओ ए इंटू के, इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। देखो इसका आंसर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, 2 × 10⁻⁶ अपॉन ओ ए आएगा, ठीक है। ये ओ ए का मान रखिए, के का मान आप जानते हो 9 × 10⁹, और जो भी सॉल्यूशन आता है वो आपको इसका आंसर निकालना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ टफ नहीं किया है, ये वैल्यू मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि क्या आएगा, आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ये सवाल आपको करना है, ठीक है। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसका सॉल्यूशन ही निकाल लें कि लगभग कितना होता है, जैसे यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे सो जाएगा, तो 162/100 आएगा, 100 का रूट होता है 10, तो 10 तो बाहर आ जाएगा, और 162 का रूट और लीजिए आप, क्योंकि आप जानते हो कि 13 का होता है 169, तो उससे कम ही रहेगा 13 से, है ना, 12.8 तक का लगभग, तो इसमें भाग देख करके आप आसानी से इसको ज्ञात कीजिए। जो भी आंसर आता है वो मेरे को बताइए, ताकि इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो तो आपको करने पड़ेंगे, जितना ज़्यादा आप इसके प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा, तो इनको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका आपको, और ये आगे करना है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत आसान है, जैसा हमने पहला क्वेश्चन 5th वाला किया है सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। खाली समझना ये है कि क्या दे रखा है और कैसे हम मान निकालेंगे। तो आइए समझते हैं इसको। 10 सेंटीमीटर भुजा के षटभुज, षटभुज का मतलब आप जानते हो, षट का मतलब होता है 6, भुज का मतलब भुजाओं वाला। तो आपको एक 6 भुजाओं वाली एक ऐसी बहुभुज आकृति बनानी है जिसमें टोटल भुजाओं की संख्या कितनी हो, 6 रहे। तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई अपने को दे रखी है 10 सेंटीमीटर के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम आवेश दे रखा है आपको, यानी कि आपको बताया कि हर एक पॉइंट पर 5 माइक्रोकुलाम आवेश दे रखा है। षटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, केंद्र पर निकालना, जैसे वर्ग था हमारे पास, हमने वर्ग के केंद्र पर निकाला था, वैसे ही आप इसमें किस पर निकालोगे, इस षटभुज के केंद्र पर। अब वो कैसे ज्ञात करना है उसको हम समझेंगे। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक षटभुज आकृति बनाते हैं। षटभुज आप जानते हो बेंजीन जो होता है उसका आकार षटभुज की तरह ही होता है, केमिस्ट्री में हम बना भी चुके हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये एक षटभुज आकृति बना लेते हैं और आप समझ सकते हो कि षटभुज आकृति इसी टाइप से होती है। ठीक है, ये एक षटभुज आकृति है, इसमें आप देख सकते हो भुजाओं की संख्या 6 है, यानी तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गई, 4, 6 भुजाओं वाला। तो ये इसको हम बना देते हैं ए, ये है बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, ठीक है। अब ये बोल रहा है इसके केंद्र पर कहाँ ज्ञात करना है, प्रत्येक शीर्ष पर आपको 5 माइक्रोकुलाम दे रखा है, तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5 माइक्रोकुलाम आवेश हर जगह ही। और प्रत्येक भुजा आपको दे रखी है कितने सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकता हूँ 10 सेंटीमीटर यहाँ पर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, तो इक्वल है, आप देख सकते हो सारी साइड इसकी इक्वल है। तो इसके केंद्र पर ज्ञात करना है, तो ये केंद्र हमने बनाया, तो इसको इस टाइप से बना सकते हैं, एक ट्राइंगल बना रहा हूँ इसके अंदर में आपको, ताकि ये ज्योमेट्री अच्छे से समझा सको इसकी। तो आप देख सकते हो इसके अंदर अलग अलग ट्राइंगल बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं कुछ, और इसमें पता होना चाहिए यदि सबकी, यदि सब षटभुज की साइड यदि इक्वल है तो इसके अंदर क्या होगा, इसका प्रत्येक एंगल भी क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे ये एक त्रिभुज के अंदर आप जानते हो कि टोटल कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है, और 180 डिग्री का यदि कोण है तो यदि सम बाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि सारी भुजाएं इक्वल है इसमें, तो इनके जो विकर्ण गुजरेंगे आपस में एक दूसरे को जो क्रॉस करते हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो इसका मतलब ये जो कोण रहेगा ये भी 60 का रहेगा, ये 60 का रहेगा, ये 60 का रहेगा। यदि ऐसा होता है, यदि किसी त्रिभुज के साथ तीनों कोण इक्वल है, तो उनकी भुजाएं भी आपस में क्या रहेगी, बराबर रहेगी। यानी कि 10 है तो ये भी 10 से रहेगा, ये भी 10 रहेगा, ये भी 10 रहेगा, ये भी 10 रहेगा, ये भी 10 रहेगा और ये भी 10 रहेगा। अब आप सोच सकते हैं इसके लिए आपके लिए क्या हो गया है, आसान, ठीक है। मेरे हिसाब से आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको साइड ही निकालनी थी। मैंने बोला था कि केंद्र पर यदि आपको विभव ज्ञात करना है तो इम्पोर्टेंस होती है आवेश से दूरी। अब इसमें आवेश आपको यहाँ दे रखा है तो दूरी OH ही है, तो OH दूरी कितनी है, 10, सभी में दूरी क्या है, बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि आवेश का मान तो है सभी जगह इक्वल, यानी QA, QB, QC, QD कितने बिंदु है, F तक है, तो QE और QF सभी का जो मान है वो सेम है, कितना है, 5 माइक्रोकुलाम, यानी कि 5×10⁻⁶ कूलाम। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, तो ये हमने आवेश तो निकाल लिया। फिर हमें पता चल गया कि दूरी जो होती है प्रत्येक आवेश की, केंद्र से जो दूरी है जिसको हम बोलते हैं r, उसकी वैल्यू आपको पता चल गई 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10×10⁻² मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई। अब आप बोल रहा है कि षटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, तो षटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव कितना होगा, तो वो समझते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि षटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव, विद्युत विभव कितना हो जाएगा, वी ओ निकालेंगे, वो किसके कारण आएगा,
ए के कारण प्लस बी के कारण प्लस सी के कारण प्लस डी के कारण प्लस ई के कारण और प्लस एफ के कारण। ठीक है, आवेश सब आपस में बराबर ही है तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, इसको मत खराब कर। यहाँ से इसका मान रखेंगे तो आप देख सकते हो कि आवेश का मान तो सभी जगह समान है, दूरी भी सेम है, तो सभी के लिए इक्वल ही आ जाएगा। तो हम जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि के क्यू ए अपॉन, जैसे मैं यहाँ पे क्यू ही लिख देता हूँ, एक काम करते हैं, तो के क्यू ए अपॉन दूरी कौन सी आएगी, ओ ए, तो ये ओ ए दूरी, प्लस के क्यू बी अपॉन ओ बी दूरी, प्लस के क्यू सी अपॉन ओ सी दूरी, प्लस के क्यू डी अपॉन ओ डी दूरी, प्लस के क्यू ई अपॉन ओ ई दूरी, प्लस के क्यू एफ अपॉन ओ एफ दूरी। ठीक है, ये हमने मान रख दिया और आप देख रहे हो सभी जगह आवेश का मान सेम है, दूरी भी सेम है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, यानी कि इस टाइप से लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन डिस्टेंस आर है, ये भी के क्यू अपॉन आर है, ये भी के क्यू अपॉन आर है, ये भी के क्यू अपॉन आर, ये भी के क्यू अपॉन आर, और लास्ट भी के क्यू अपॉन आर। तो देख सकते हो कितना के क्यू अपॉन आर हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल जो है 6 के क्यू अपॉन आर है। बस मान रखिए और आंसर निकालिए, 6 के की वैल्यू 9 × 10⁻¹, क्यू की वैल्यू 5 × 10⁻¹⁶ और डिस्टेंस 10 × 10⁻²। ठीक है, इनको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा और आंसर आप निकालोगे, वैसे कोई टफ नहीं है, सिंपल सा है। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 9 = 45, 45 को 6 से गुना करो, कितना हो जाएगा, 9 × 28 270 आएगा शायद। तो अब देख लेना, एक बार चेक कर लेना अच्छे से कि आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये 10⁻⁶, 10⁻⁹ कितना बचेगा, ऊपर 10⁻³, 10⁻³ कितना बच जाएगा, 3 बचेगा, फिर -2 ऊपर जा कर के प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 3 और प्लस का 2, प्लस का 5 और नीचे 1 10 है, तो 1 कट जाएगा, यानी 10⁴। और कहने का मतलब है आंसर जाएगा वो आएगा 2 7 × 10⁵, और विभव है तो आंसर किसमें आएगा, वोल्ट। एक बार चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर भी ही आता है या नहीं आता, बस सिंपल ही एकदम, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आसानी से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, बिल्कुल सिंपल सा ही है, जैसे हम पहले वाले जो वर्ग के क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, जिसमें भुजा दे रखी है और हमें कर्ण निकाल करके उसका उसकी आधी साइड करनी पड़ती है, वैसा ही सवाल एक और है, क्वेश्चन नंबर 7, और इसी टाइप के सवाल सारे लगातार पूछे गए हैं इसके अंदर, वही क्वेश्चन हम आगे की भी करेंगे। तो सिंपल वे के अंदर इसको आपको करना है, टोटल इसमें अभी न्यूमेरिकल की जो नंबर है वो 17 है टोटल क्वेश्चन, तो आप इस सवाल को भी समझिए कैसे करना है। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा टफ नहीं है। 2 √2 cm भुजा वाले वर्ग ABCD, तो एक वर्ग बनाइए, ये मैं आपको समझा रहा हूँ सिंपल वे के अंदर करना आपको ये है। एक वर्ग लेते हैं फिर से ABCD, ठीक है, जिसमें प्रत्येक भुजा 2 √2 है, तो चलो सेंटीमीटर ना, तो एक बार सेंटीमीटर में रख लो ताकि आगे जा करके मीटर में बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये 2 √2 हमने सेंटीमीटर में लिखा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके कोने पर 2 µC आवेश रखा गया है सभी जगह, तो 2 µC है, 2 µC है सभी जगह, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये हमने जैसा दे रखा है वैसा उतार दिया। केंद्र पर ज्ञात करना है, तो केंद्र ये बन जाएगा आपका इसको दोनों कर्ण को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, जहाँ पे दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब केंद्र पे आपको विभव निकालना है, तो आपको दूरी चाहिए ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, जैसा हम पहले निकालते हुए आए हैं। तो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, तो वही कर्ण का इस पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो आपके पास जो दूरी आएगी बी डी है या फिर एस ए ए सी, ये दूरी आएगी अंडर रूट में किसका स्क्वायर आता है आप जानते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर होगा किसका, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी का स्क्वायर कितना है, बी सी 2 √2, तो 2 √2 का स्क्वायर कीजिए कितना आता है, प्लस फिर 2 √2 का स्क्वायर कीजिए वो भी कितना आएगा वो भी पता लगाइए, और साथ में ये देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2,
इसमें भी दो का स्क्वायर चार, रूट दो का स्क्वायर होता है दो, चार इंटू दो कितना होता है आठ, प्लस आठ कितना हुआ सिक्सटीन, सिक्सटीन का रूट कितना होता है चार। तो इस प्रकार से हमने इसकी साइड निकाल ली, यानी कि पूरी डिस्टेंस है चार। तो आपके पास आप बताइए ओ ए, ये तो बी डी और ए सी आया है, बी डी और ए सी आया है, तो ए ओ बी ओ सी ओ डी कितना आएगा, ओ सी ओ डी कितना आएगा, ए सी या बी डी का आधा, तो ये कितना है चार, चार का आधा कितना होता है दो, ठीक है। ये सेंटीमीटर आया, इसको मीटर में बदलना चाहते हो, दो इंटू दस के पावर माइनस दो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने साइड निकाली, अब इसके केंद्र पर विभव निकालिए, तो केंद्र पर विभव वी ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए के कारण प्लस बी के कारण विभव प्लस सी के कारण विभव प्लस डी के कारण विभव। फॉर्मूला वही के क्यू अपॉन आर रहेगा, और आर की वैल्यू आप जानते हो कितनी है आपके पास, दो इंटू दस की पावर माइनस दो, और सभी जगह सेम ही है तो चारों के लिए सेम ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे चार इंटू ये, ठीक है। और आप इसको सॉल्व कीजिए, के की वैल्यू कितनी होती है, क्यू की वैल्यू पाँच माइक्रो कूलाम दो है, सॉरी दो माइक्रो कूलाम है वो रखिए, और आर की वैल्यू आपके पास दो इंटू दस की पावर माइनस दो, और जो आंसर आता है उसका आंसर आपको सॉल्व करना है। तरीके से थोड़ा सा कीजिए आप इसको, मैंने आपको थोड़ा जल्दी वे में बताया क्योंकि हमने ये पहले भी कर चुके हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और यदि आपको ये वीडियो वगैरह पसंद आते हैं तो इनको लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से भी, और सिंपल ही क्वेश्चन है, वैसा का वैसा ही सवाल जैसे आपने वर्ग के लिए किया था अब, लेकिन अब की बार जो सवाल है वो संभव त्रिभुज के लिए कैसे ज्ञात करते हैं वो समझते हैं। एक संभव त्रिभुज जिसकी भुजा 100 सेंटीमीटर रखी है, 100 सेंटीमीटर होने का मतलब कि एक मीटर हो गया, यानी कि एक संभव त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड जो है वो एक एक मीटर की है, तीनों कोनों पर क्रमशः अलग अलग आवेश रखे गए, एक पर एक माइक्रो कूलाम है, दूसरे पर दो है, तीसरे पर तीन है, त्रिभुज के तीनों कोनों से समान दूरी, इनके कोनों से जो केंद्र होगा मतलब त्रिभुज का अंतः केंद्र, उस पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, एक त्रिभुज बनाते हैं, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, संभव त्रिभुज होना चाहिए जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है। तो ये एक संभव त्रिभुज बना लिया, ए बी और ये सी, ठीक है, संभव त्रिभुज बनाया जिन पर आवेश तो अपने को दे रखे हैं एक माइक्रो कूलाम, एक माइक्रो सॉरी दो माइक्रो कूलाम और तीन माइक्रो कूलाम। भुजा दे रखी है, भुजा जो दे रखी है इसकी वो 100 सेंटीमीटर है, यानी कि एक मीटर हो गया, तो ये एक मीटर, ये भी एक मीटर और ये भी एक मीटर। तो ये बोलता है इनको तीनों के जो इस त्रिभुज का तीनों कोनों से समान दूरी, तो समान दूरी पर मतलब बिंदु हो गया ये, ये समान दूरी पर बिंदु हो गया O, यानी कि इस त्रिभुज के केंद्र के ऊपर आपको क्या ज्ञात करना है, विभव की गणना करनी है। तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखती, इसके लिए डिस्टेंस मायने रखती है ये, जब जहाँ पे आवेश दे रखा होगा वहाँ से दूरी, यानी कि ओ ए निकालना है, ओ सी निकालना है या फिर ओ बी निकालना है, ये डिस्टेंस अपने को ज्ञात करनी है। यदि ये दूरी पता रहेगी तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए, संभव त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल आप जानते हो टोटल कितना होता है, और उसकी साइड यदि आपको निकालनी है तो या तो आप इसको आगे बढ़ा करके इसके ऊपर केंद्र लंब खींच करके वैसे डिस्टेंस निकालिए, और यदि आप नहीं निकाल पाते हो ऐसे करके तो आपको पता है कि ये टोटल रेशियो जो होता है इसका, हमें ये पता है कि 2 और 1 होता है, इसको पहले आप इसको मिला दीजिए नीचे वाली रेखा को, वरना मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा, आप सीधा सीधा आप ध्यान रख सकते हैं ताकि आपको ये पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 2 और 1 रेशियो के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये साइड ज्ञात करना हो तो क्या करोगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो पहले, ठीक है। अब ये पूरा एक है तो ये एक नहीं रहेगा, ये 0.5 हो गया, तो जो भी साइड आती है उसका आपको क्या करना है, टोटल भुजा निकाल करके और इसका रेशियो निकालना है 2:1 के अनुपात में। और यदि आपको ऐसा नहीं आता है, यदि आप मैथमेटिक्स इतना आपको याद नहीं है, तो आप सिंपल वे के अंदर इसका सॉल्यूशन इस टाइप से निकाल सकते हो कि आपकी ये जो दूरी होगी ओ ए है, चाहे ओ बी है, चाहे ओ सी दूरी है, ये आपकी जो भुजा होगी टोटल संभव त्रिभुज, सिर्फ संभव त्रिभुज के लिए बात कर रहा हूँ, और उसमें √3 का डिवाइड लग जाएगा, ठीक है। आप सिंपल वे के अंदर इसको निकाल सकते हो और यही इसका तरीका रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको ये भुजा वगैरह निकालना नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको आगे वाले वीडियो में ये ज़रूर बता दूंगा कि इस टाइप से इसका आंसर निकाला जाता है। और यदि आपको आता है तब आसान ही है,
तो कैसे करोगे? भुजा, भुजा आपको पता है कितनी है, एक है, मीटर दे रखी है, और उसका रूट थ्री, यानी कि हमने ओ ए, ओ बी और ओ सी का मान निकाल लिया, किस में आ गया, ये मीटर के अंदर आ गया, ठीक है। अब दूरी निकाल ली तो अपने पास क्या विभव निकालना कोई टफ काम है नहीं रहेगा, तो हम क्या कहेंगे कि केंद्र पर जो विभव आएगा, केंद्र पर विभव वो हो जाएगा V O इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी के कारण प्लस वी सी के कारण, ठीक है। वी ए और वी बी और वी सी का मान फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ से ओके एक मिनट, वी ए का जो वैल्यू है अपने पास क्या होगा, के क्यू अपॉन आर होता है, तो के क्यू ए अपॉन दूरी कौन सी आएगी, ओ से लेकर ए तक की, तो ओ ए दूरी, प्लस इसमें आएगा के क्यू बी अपॉन ओ बी दूरी, और इसमें लास्ट में आएगा के क्यू सी अपॉन ओ सी डिस्टेंस, ठीक है। इसमें मान रखिए और आसानी से इसका आंसर निकाल लीजिए। के तो इसमें टोटल कितना रहेगा, आप देखो वी ओ इज इक्वल टू के, के तो बाहर आ जाएगा, ये दूरी भी बराबर ही है ओ ए ओ बी ओ सी, तो एक बार लिख देते हैं क्यू ए का मान कितना है, एक माइक्रो कूलम, तो एक इंटू दस की पावर माइनस छः, और ओ ए का मान कितना है, वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री, ठीक है। फिर प्लस इसका दो है के क्यू बी के लिए, तो दो इंटू दस की पावर माइनस छः, वन अपॉन रूट थ्री, फिर थ्री इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स अपॉन वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है। अब इसमें से जो बाहर आता है वो बाहर ले लीजिए, तो के वन अपॉन रूट थ्री तो आ जाएगा नीचे से बाहर, और इसको सॉल्व कर लीजिए, दस की पावर माइनस छः भी आ जाएगा बाहर यहाँ से, ठीक है। मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ थोड़ा, दस की पावर माइनस छः, और क्या रह जाएगा, एक प्लस दो प्लस तीन, एक प्लस दो प्लस तीन कितना हो गया, छः हो गया ये, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सिक्स के टेन की पावर माइनस सिक्स है ना, ये तो हो गया ये, और वन अपॉन रूट थ्री है तो वन तो नीचे रह जाएगा, रूट थ्री कहाँ आएगा, ऊपर, और रूट थ्री की वैल्यू आप जानते हो 1.732, 1.732 इसको रख करके सॉल्व करना है, तो 6 इंटू के की वैल्यू होती है 9 इंटू टेन की पावर 9, 10 की पावर माइनस 6 है, रूट थ्री की वैल्यू 1.732 वैल्यू रखिए और इसका आंसर ज्ञात कीजिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, और आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। खाली डिस्टेंस निकालनी है और ये दूरी अब भी आपको निकालनी नहीं आती, तो आप मेरे को बताइएगा, और आपको अगले वीडियो के अंदर वो भी आंसर बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से ये ज्ञात करते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपको वीडियो भी पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, और इसी प्रकार से आगे पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।